हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही उस समय सामने आई जब 5 साल की मासूम बच्ची मेडिकल कॉलेज में इलाज न मिलने पर घंटों तड़पती रही और वहां पर मौजूद चिकित्सकों के द्वारा इलाज न करने पर बिफरे पिता पूर्व सैनिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके मेडिकल कॉलेज की हालत को दिखाया। वायरल वीडियो में पिता पूर्व सैनिक इलाज के लिए तड़पती हुई बच्ची को दिखा रहा है और तैनात डॉक्टरों से भी इलाज के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन डॉक्टर कोई सुनाई नहीं करते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। आपको बता दें कि सुजानपुर से 5 साल की आरुषि के 2 फ्रैक्चर आने पर रेफर होकर मेडिकल कॉलेज में आई थी, लेकिन कई घंटों तक भी बच्चे का इलाज न करने पर परिजनों ने रोष व्यक्त किया। ये देखो हमीरपुर हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंटल केस आया है और ये 5 साल की बेटी है और इसके 2 फ्रैक्चर हैं जो सुजानपुर से रेफर किए हैं। ये इसका एक्सरे है और डॉक्टर तमाशा देख रहे हैं। मैं 1:15 बजे का यहाँ पे आया हूँ। चलो चलो छोड़ो। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक ऊपर वाले नहीं करेंगे। मैं एक फौजी हूँ और ये मेरे साथ 12:30 बजे का आया हूँ मैं, बिल्कुल मना कर रहे हैं। ये मैं एक फौजी हूँ, ये भाग रहा डॉक्टर देखो यहाँ से। और 1 बजे से मेरी बेटी इमरजेंसी में आई, 5 साल की बेटी है मेरी। और 5 बिल्कुल जहाँ मर्जी जाइए आप ट्रीटमेंट करो मेरी बेटी का। 5 साल की बेटी है, 2 फ्रैक्चर है और ये मारने को आ रहा है। देखो ये सरकारी हॉस्पिटल हमीरपुर की बात है जी, और मैं एक फौजी हूँ। लोग बोल रहे हैं डॉक्टरों की, ये देखो सब बैठे हैं यहाँ पे स्टाफ, कोई हाथ लगा के कुछ नहीं है। ये बेटी रो रही है मेरी 5 साल की, मैं एक फौजी हूँ। ये देखो बेटी की हालत मेरी की, और ये इसके 2 फ्रैक्चर हैं। ये जयराम सरकार और यहाँ के सीएम और स्टाफ, ये देख लीजिए, ये सिक्योरिटी अफसर है बेचारे, फौजी है मेरी तरह कोई, पर डॉक्टर कोई नहीं किसी को। ये डॉक्टर साहब सब बैठे हैं, देखो यहाँ पे ये भी बैठे हैं, ये बैठे हैं नर्सिंग सब है, स्टाफ सब है। ये जो भी देखेगा जयराम सरकार, देखो ये हालत है, 2 फ्रैक्चर है, 1 बजे का रखे हैं। ये देखो ये एक्सरे है और ये कभी बोल रहे हैं यहाँ आओ मैं कोई ट्रीटमेंट करूं तो मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ यहाँ से। कल को मेरी बेटी को कुछ होता है तो ये सारा सरकारी हॉस्पिटल जिम्मेवार होगा। वही इस मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बच्ची के इलाज न होने की बात पर अनभिज्ञता जताई और कहा कि मेडिकल कॉलेज में आने वाले हर बीमार व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बारे में जानकारी नहीं है और ये मामला मेडिकल कॉलेज का है, इस बारे में ज्यादा नहीं बता सकती। नहीं, हॉस्पिटल में जो आया है वो ट्रीटमेंट के लिए ही आया है, ट्रीटमेंट तो उसको मिलना ही चाहिए, बट मामला मेरी नॉलेज में नहीं है। और मोर ओवर ये मेडिकल कॉलेज का मामला है, मेडिकल कॉलेज से डील हुआ है, वहाँ MS साहब ने उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया की है आई कैन नॉट से इट, क्योंकि इट डायरेक्टली कम्स अंडर मेडिकल कॉलेज। बट उस केस में स्पेसिफिकली क्या हुआ एंड व्हाई इट वाज नॉट अटेंडेड, या बिकॉज आई डोंट हैव एनी क्लियर कट नॉलेज अबाउट द केस, तो मैं तो वैसे जैसा कि आप बोल रहे हो उसके आधार पर बोल रही हूँ, आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, उसके ऊपर मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। पूर्व सैनिक बिपिन कुमार ने बताया कि मेरी बेटी को गाड़ी ने टक्कर मारी थी जिस पर बच्ची को 2 फ्रैक्चर आ गए थे, जिसे सुजानपुर से रेफर होकर मेडिकल कॉलेज लाया गया, लेकिन बेटी को यहां वहां घुमाया गया और इलाज नहीं किया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि लोगों को इलाज के बजाय यहां वहां घुमा रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने मांग की है कि CMO इस बात की जाँच करवाए। मैं विपिन कुमार एक्स आर्मी हमीरपुर में अपनी 5 वर्षीय पुत्री अरुषि को लेके आया था हमीरपुर हॉस्पिटल में, जिसको कि एक गाड़ी से पर्सनल गाड़ी से किसी टक्कर मार दी थी, तो उसको 2 फ्रैक्चर आए। तो मैं 1 बजे करीब यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुंच गया था, तो 1 बजे डॉक्टर ने मेरे को बोला कि अभी आपकी मेरा लंच टाइम है, 2 बजे के बाद आप दिखाना। 2 बजे के बाद मैं गया तो डॉक्टर बोल रहा कि इंजेक्शन लगे कि नहीं लगे, अभी आप बेटी को उठा के इधर उधर लेके जाओ। तो मेरे को बहुत हरासमेंट किया, जब मैं उसके बड़ी रिक्वेस्ट की तब भी नहीं माने, बोला आप बेटी को पहले यहाँ से कोई 2 मंजिल ऊपर 3 मंजिल ऐसे से चक्कर कटवा रहे मेरे। जब मैंने बात की डॉक्टर मेरे से उल्टा लड़ाई करने को दौड़ा मेरी तरफ, तो मैं प्रशासन से जयराम सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको किसी ने सत्ता में लाया है तो आप ऐसा मत करिए, एक फौजी को ही आप इतना तंग कर रहे हैं। मैंने उसको डॉक्टर को बताया कि भाई मैं फौजी हूँ और इतनी देर से आप मेरे को तंग रहे, जो नॉर्मल आदमी गरीब आदमी आपके पास आएगा
और सबसे ज्यादा गरीब आदमी ही सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं। मैं भी एक फौजी हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मैं कोई इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं प्राइवेट में अपनी बेटी का एक करवाऊं। पर करवाने को तो मैं करवाऊंगा ही, मैं सोचा चलो सरकार पे सब भरोसा करते हैं, तो इतना बुरा बर्ताव मेरे साथ किया गया। तो मैं प्रशासन से ये करता हूँ कि सीएमओ इस डॉक्टर की जांच करवाए, जो स्टाफ इसमें लगा हुआ था वो इसका पूरा पता करें कि क्यों एक फौजी के साथ अन्याय हुआ, क्यों उसकी बेटी को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। और मैंने पहले भी बताया कि अगर मेरी बेटी को कल को कुछ होता है, उसका पांव ठीक नहीं जुड़ता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये सरकारी हॉस्पिटल और वो जो डॉक्टर था और जो ड्यूटी पर जितना भी स्टाफ था सब जिम्मेवार होंगे। वहीं एबीवीपी के द्वारा भी मासूम बच्ची के साथ इलाज न किए जाने के मामले पर कार्रवाई करने की मांग की गई। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष हनी शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में इस तरह बच्ची के साथ इलाज को लेकर कोताही की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाए। कल जो हमीरपुर अस्पताल में हुआ कि कैसे एक फौजी की लड़की थी और उसका इलाज जो है वो नहीं किया गया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जिलाधीश महोदय जी से मेरा ये निवेदन है कि वह कृपया इस मामले की जांच करें और उपयुक्त कार्रवाई करें।